कक्षा चौथी में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पाठ नंबर 13, इसका नाम है हुद 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 हुद, यह पाठ पढ़ने वाले हैं। यह एक पंछी का नाम है। आप पंछियों के नाम तो जानते ही होंगे। कौन कौन से पंछी है? कौवा, चिड़िया, तोता, मैना, कोयल, गीद, कबूतर और बहुत सारे पंछियों को आप जानते हो। इनकी आवाज कैसी है, रंग कैसा है, पंछी क्या क्या खाना खाते हैं, उनके घोंसले आदि का निरीक्षण आपने किया होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको, तोता। तोता हरे रंग का होता है, उसकी चोंच लाल होती है। तोता क्या खाता है? हरी मिर्च और अनार के दाने और अमरूद, तो ये उसका खाना है। इसी तरह से आप बाकी पक्षियों की भी जानकारी प्राप्त करें। किस तरह से ये पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं आदि की बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों आज हम हुदहुद इस पक्षी की जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले हम यह पाठ पढ़ते हैं। हुदहुद ये कहाँ पे पाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हम पाठ में देखेंगे। पन्ना नंबर 106, पाठ नंबर 13, हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? पहली जो जानकारी है वह है कि हुदहुद के सिर के ऊपर जो कलगी है उसे वह कैसे मिली, इसकी एक छोटी सी कहानी दी गई है। तो पढ़ते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो यहां तक हम पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। एक बार क्या हुआ था, एक बादशाह है जिसका नाम है सुलेमान।
वह आकाश से उड़ते उड़ते जा रहा था। बच्चों, आजकल हम जब आकाश में सैर करते हैं तब हम कैसे जाते हैं? एरोप्लेन से, विमान से। लेकिन इससे पहले बच्चों, हमें कहानियों से पता चलता है कि कथाओं में ऐसे बात कही गई है कि जब राजा महाराजा थे तो वह क्या करते थे, उड़न खटोलों पर बैठकर सैर करते थे। उड़न खटोला यानी उड़ने वाली बिस्तर। तो आपने भी इसे टीवी पे ही देखा होगा। आपको याद है वो सीरियल अलादीन की? और आपने कहानी अगर पढ़ी है तो उसमें भी ये बात लिखी गई है कि उसकी एक चटाई थी, उस पर बैठकर सवार होकर वह उड़ते उड़ते जाता था, तो उसे उड़न खटोला कहते हैं। तो कहानी क्या है? एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। और ये सारी बातें जो है वो हमें कथाओं में ही मिलती है, कहानी में ये सारी बातें होती रहती है। तो वे जो बादशाह थे वो एक दिन सुलेमान बादशाह कहाँ जा रहे थे, आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तो उन्हें बड़ी गर्मी लग रही थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे, यानी धूप के गर्मी के दिन थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा कड़ी धूप महसूस होने लगी और इससे वह परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से कहा, क्या कहा, कि तुम मेरे सिर पर छाया कर दो, अपने पंखों से तुम मेरे सर पर छाया कर दो। छाया यानी शैडो, मराठी में सावली। तो उन्हें बहुत गर्मी हुई थी, परेशान हो रहे थे, इसलिए उन्होंने गिद्धों से कहा, गिद्ध यानी वल्चर। तो उन गिद्धों से कहा कि आप मुझे मेरी थोड़ी मदद कीजिए, आप अपने पंखों से मेरे सिर के ऊपर मुझे छाया कर दे। लेकिन गिद्धों ने उन्हें मना कर दिया, बादशाह को सब मना कर दिया। और इसका कारण गिद्धों ने क्या बताया, उन्होंने कहा, बहाना बनाते हुए कहा, वो काफी उनके पंख तो बड़े होते लेकिन उन्होंने उन्हें मदद नहीं करनी थी, तो उन्होंने कुछ बहाने किए। बहाना बनाते हुए कहा, ऐसे ही उन्हें बोल दिया कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारे गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने नाटक शुरू किया कि हम बहुत ही छोटे हैं, हमारे गर्दन पे पंख नहीं है, तो आप पर हम छाया नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो उड़ते उड़ते थोड़ी दूरी पर दूर जाने के बाद सुलेमान बादशाह को कौन मिले, सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। ये हुदहुद जो पक्षी है, ये उनके जो मुखिया थे यानी मुख्य प्रमुख जो थे वो मिले। तो उनसे मुलाकात होने के बाद सुलेमान ने क्या किया, उनसे मदद मांगी, क्योंकि गिद्धों ने तो सब मना कर दिया कि हम आप पर छाया नहीं डर सकते। तो इसलिए उन्होंने हुदहुदों के मुखिया से बात की। फिर क्या हुआ, वह चतुर था, वह जो हुदहुदों का मुखिया था वह बहुत ही चतुर था। उसने क्या किया, उसने अपने सारे पक्षियों को इकट्ठा किया। ये हुदहुद जो पक्षी है ये गिद्धों से बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बहुत ही चतुर है,
इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी बुद्धों को इकट्ठा किया और बादशाह के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने नहीं की। बादशाह कहते कि वे आपसे भी बड़े हैं आकार में, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद नहीं की, आपने की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर अधिक चतुर हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। सहायता यानी मदद। तुमने मेरी मदद की है, तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। बादशाह कहता है उद्दोम के मुखिया से कि तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं खुश हो गया हूँ, प्रसन्न हुआ हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो वह मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद इच्छा बताऊंगा। मैं अपने सभी साथियों से क्या करूंगा, सलाह यानी विचार करूंगा, सलाह मशवरा करूंगा, उनसे सलाह लूंगा और फिर बताऊंगा कि हमें क्या चाहिए। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। वरदान है किसी देवता या ऋषियों आदि से प्राप्त वर। हमें वरदान यह शब्द पौराणिक कथाओं में ज्यादातर मिलता है। जब कोई व्यक्ति देवों की या ऋषियों की प्रार्थना करते थे, उनकी पूजा करते थे, तपस्या करते थे, तब क्या होता था, वो देवी देवता या ऋषि प्रसन्न होते थे उनकी पूजा अर्चना से, और फिर वे प्रसन्न होने के बाद उस व्यक्ति से कुछ मांगने की इच्छा, उनकी जो इच्छा है वह मांगने की कहते थे। तो वे जो देवी देवता है या ऋषि है वह उनको दे देते थे, प्रसन्न होकर उन्हें वह वर दिया जाता था। कोई भी चीज वस्तु या उनकी जो इच्छा होती थी, इच्छा अनुसार वे अपनी बात देवी देवताओं को कहते थे। तपस्या करने के बाद ये देवी देवताएं क्या करते थे, प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को उनकी इच्छा अनुसार वर दे देते थे। इस प्रकार वरदान दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यह बादशाह भी उस हुदुदों के मुखिया से प्रसन्न हुआ है। तो उसने कहा कि तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो मुखिया ने क्या कहा था, मैं अपने सभी साथियों से पूछकर बताता हूँ। और फिर उसने बताया कि हमें क्या चाहिए, हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। सिर के ऊपर जैसे कि मुर्गे की कलगी होती है, मोर की भी कलगी होती है, और इस प्रकार से यह जो हुदूद है इनके सिर के ऊपर भी इन्हें क्या चाहिए था, कलगी चाहिए थी। तो उनसे वह भी सोने की कलगी, किस तरह की, सोने की कलगी उन्हें चाहिए थी। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया, फल यानी इसका जो परिणाम है वह क्या होगा ये तुम्हें पता है। सोने की कलगी आप क्यों मांग रहे हो, सोने की कलगी तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन
इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसके बारे में तुमने सोचा है क्या? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। मैंने बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके यह वर आपसे मांगा है कि हमारे सर के ऊपर सोने की कलगी निकल आए। इस तरह से उसने वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर दी। बादशाह ने उनकी जो बात है वो दोनों की उन्होंने मान ली। बादशाह बोले, ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। मनुष्य प्राणी जो है वह सोना, ये जो धातु है, इसे बहुत ही पसंद करता है। सबको सोने के गहने पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए सब लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि हुदहुद इस पक्षी के सिर के ऊपर क्या है, सोने की कलगी है। तो सोना प्राप्त करने के लिए उन्होंने उन पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। क्या करते थे, तीर से मार मार कर सोना इकट्ठा करते थे। तो यही पूछा था सुलेमान बादशाह ने, मुखिया से यही बात की थी, तुम कहते हो सोने की कलगी चाहिए, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, ये सोचा क्या? लेकिन तब क्या कहा था उसने, मुखिया ने कहा था, हाँ मैंने बहुत सोच विचार करके ये बात बताई है। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। जब सारे पक्षी खत्म होने को आए तब उनको मुखिया को बड़े परेशानी होने लगी। और फिर वह बादशाह के पास आ गया और बोला कि क्या हो गया। तब मुखिया घबरा कर बोला कि, बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण हमारा पूरा वंश, ये जो पीढ़ी है, हमारी जाति है, नष्ट होने को आई है, तो कुछ कीजिए। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। चेतावनी खतरे की पूर्व सूचना, मतलब सावधानी रखने के लिए उसे कहा गया था। बादशाह उसे सावधान करने के लिए ही उन्होंने ऐसे पूछा था कि क्या सच में तुम्हें सोने की कलगी चाहिए। तो सुलेमान क्या कहते हैं, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, खबर खतरे की पूर्व सूचना। आगे का जो खतरा है वो बादशाह ने जान लिया था, पहचान लिया था कि आगे क्या हो सकता है। सोने के पीछे सब दौड़ते हुए आ जाएंगे, ऐसा उन्हें पहले से ही पता था। तो ये बात जानने के बाद ही, जानते हुए ही उन्होंने उसे ऐसे कहा था कि क्या सच में तुम्हें सोने की कलगी चाहिए। इसलिए अभी वे कह रहे कि तुम्हें मैंने पहले चेतावनी दे दी, पूर्व सूचना, पहले से ही मैंने तुम्हें सावधान करने की कोशिश की थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। फिर बादशाह ने कहा, ठीक है, अभी तुम मेरे पास आए हो तो जाने दो, पहले की बात जाने दो। अब तुम्हारे सिर पर
सोने का नहीं परों का कल, परों का सोने का ताज नहीं, कैसा ताज होगा? परों का ताज होगा। और तभी से हुदुम के सिर पर परों का यह ताज शोभा पा रहा है। ये जो कलगी है सिर के ऊपर, ये जो हुदुम पक्षी है, इस पक्षी के सिर के ऊपर क्या है? सोने की कलगी नहीं बल्कि परों की कलगी है, परों का ताज है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? सोने की कलगी नष्ट होकर हुदहुद पक्षी के सिर के ऊपर परों की कलगी शोभा दे रही है, यानी उसे जच रही है, उसके सिर पर आज तक है। तो इस तरह से उनके सिर के ऊपर ये कलगी निकल आई। तो ये कहानी है कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली। तो इस तरह से उन्हें वह कलगी मिली। उसके आगे की जो कहानी है या जानकारी है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।